भैया भैया उठो भैया, ये लो दूध। कैसे कर सकता हूँ? वो भी प्रज्ञा के घर में, उसी की पार्टी में, वहां वहां इतने सारे लोग थे, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? और आंटी जी, जो आंटी जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? प्रज्ञा को तो शर्म आ रही होगी मुझे दोस्त भी बोलने में। मैं तो अब उससे बात तो क्या, उससे नजर भी नहीं मिला सकता हूँ। खुद को दोष मत दो भैया, कोई आपकी फीलिंग समझ भी ना सके और नजरें मिलाने में शर्म आपको आ रही है। आपने वहां वही कहा जो आप बुलबुल के लिए फील करते हो, और किसी को अपने दिल की बात बताना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दिल की बात कहने के लिए ना तो वो सही जगह थी, ना तो सही वक्त था, और ना ही सही तरीका। मैंने खुद के साथ साथ प्रज्ञा के घर वालों का भी तमाशा बना दिया। और तू तो जानती रचो कि मैं हर छोटी से छोटी बात को बहुत सोच समझ के करता हूँ। ये मैंने कैसे कर दिया? भैया मेरी नजर में आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया, बस एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने शराब पी कैसे। अरे यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ रच्चो। मैंने ना जूस पिया था, सच बोल रहा, मैंने जूस पिया था। अब मैं तुझे झूठ क्यों बोलूंगा, कसम तेरी, मैंने जूस पिया था। और सुन, मैंने तेरे से फोन पे बात की, और मैं वहां से निकल रहा था, तो वो अभी की गर्लफ्रेंड है ना, अब जो भी है वो, उसकी वो तनु समझ में आ रहा है, ये सब तमाशा तनु की वजह से हुआ है। अब तू देखना, मैं उस तनु को ना छोड़। भैया अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया ना। अब आप वहां गए तो आपकी इंसल्ट होगी, और उन्हें लगेगा कि आप फिर से बुलबुल की शादी तोड़ने के लिए आए। और अभी वो तो आपकी हर सीधी बात का उल्टा मतलब ही निकालेगा। भैया रहने दो, प्लीज मत जाओ।